हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सवी। मैं हूं सविता और आज ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यूपी ट्रिपल सी पीईटी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो आइए देखते हैं यूपी ट्रिपल सी पीईटी क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका ऑनलाइन आवेदन जो है वो 25 मई 2021 से स्टार्ट हो चुका है, जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह ग यानी कि ग्रुप सी की भर्तियों के लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए पीईटी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पीईटी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है पीईटी। पीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। यूपी ट्रिपल एससी को हम उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कहा जाता है। अब पेट एग्ज़ाम में क्या होगा कि ग्रुप सी की जितने वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी ऑर्गेनाइज करती थी, वो सारी वैकेंसीज अब पीईटी के अंतर्गत आ जाएंगी। यानी कि उनके लिए एक अलग से प्रीलिम लेवल का टेस्ट होगा और लोग प्री एग्ज़ाम यानी कि पीईटी एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। सिर्फ उन्हीं को मेंस में बैठने का मौका दिया जाएगा। मेंस का मतलब है मेंस हो या फिर स्किल टेस्ट हो तो वो सेकंड लेवल में जा पाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि कौन एग्ज़ाम को दे पाएंगे। तो इसके लिए आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। आप अगर 18 वर्ष के हो चुके हैं तो आप पेट एग्ज़ाम दे पाएंगे। क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो 10th और 12th, अगर 10th और 12th आप पास कर चुके हैं तो आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब बात आती है बेनिफिट की कि जो पेट एग्ज़ाम लागू किया गया है इसका लाभ क्या हो सकता है। तो सरकार है या मैनेजमेंट है, उसका कहना ये है कि इससे क्राउड मैनेजमेंट होगा। जब भी कोई वैकेंसी होती है तो उसके बहुत सारे भारी मात्रा में फॉर्म पड़ते हैं। ये सब तो आप लोग भी जानते हैं कि उसके कितने भारी मात्रा में फॉर्म पड़ते हैं, तो उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसमें लेट हो जाता है, एग्ज़ाम जल्दी हो नहीं पाता है समय से, उसमें बहुत सारे खर्च आते हैं। तो इस भीड़ को कम किया जाए और जो लोग सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर, सिर्फ उन्हीं को आगे स्टेज तक जाने का मौका मिले, सरकार या आयोग का यह प्रयास है। इसके लिए ये बेनिफिट होगा कि जो बच्चे सीरियसली पढ़ाई करते हैं वही आगे बढ़ पाएंगे, बाकी लोग पीईटी एग्ज़ाम से ही बाहर हो जाएंगे। अगर पीईटी एग्ज़ाम एक बार आप पास कर लेते हैं तो जो उसका सर्टिफिकेट है, स्कोर है, जो वो एक साल तक वैलिड माना जाएगा। यानी एक वर्ष तक आप सभी भर्ती परीक्षाओं में बैठ पाएंगे। अगर मान लिया एक वर्ष के अंतर्गत कोई भी भर्ती नहीं आती है तो क्या आपको फिर से पीटी एग्ज़ाम देना पड़ेगा? तो हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अगर आपका एक वर्ष के अंतर्गत कोई भी भर्ती नहीं आ रही है तो आपको फिर से पीटी एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा। अब हम पीटी एग्ज़ाम सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो यूपी ट्रिपल एससी से जो भी वैकेंसी आएगी उसमें सबसे पहले टीयर फर्स्ट होगा, जो कि पीईटी एग्ज़ाम के नाम से जाना जाएगा। अब बात आती है एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में कि एग्ज़ाम का मोड कैसा होगा, ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा। तो अभी एग्ज़ाम का जो मोड है वो ऑफलाइन है। अभी परीक्षा ऑफलाइन ही होगी। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? टोटल क्वेश्चन 100 होंगे। टोटल मार्क्स कितने होंगे? टोटल मार्क्स भी 100 होंगे। टाइमिंग क्या होगी? आपके मन में ये भी सवाल चल रहा होगा कि कितने समय का ये पेपर होगा, कितने घंटे का। तो ये होगा 2 घंटे का पेपर, 120 मिनट। 2 घंटे में आपको 100 प्रश्न हल करने होंगे। एग्ज़ाम का लेवल कैसा होगा आप ये भी जानिए। एग्ज़ाम का लेवल इंटरमीडिएट लेवल का होगा। निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी तो ये भी आप जानिए कि निगेटिव मार्किंग भी इस परीक्षा में ज़रूर होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपके जो सही क्वेश्चन है उनमें से 0.25 की कटौती कर ली जाएगी। अब बात आती है एग्ज़ाम के सिलेबस की, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टॉपिक क्या क्या है वो आपको बताते हैं। और ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पूरा पढ़ लीजिएगा, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो आप देखिए कि सिलेबस क्या है, इसके जो सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, कितने नंबर के आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री जो है ये 5 मार्क्स की आती है, 5 क्वेश्चन आते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट भी 5 क्वेश्चन आते हैं, इसके भी जियोग्राफी के भी 5 क्वेश्चन आते हैं। इंडियन इकोनॉमी के 5 क्वेश्चन आते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी 5 क्वेश्चन आते हैं। जनरल साइंस के भी, एलिमेंट्री अरिथमेटिक,
जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और रीजनिंग, ये सभी के आपके 5 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के। आगे देखिए करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, हिंदी का पैसेज और ग्राफ या फिर टेबल इंटरप्रिटेशन, ये जो 4 सब्जेक्ट हैं ये 10-10 मार्क्स के आएंगे, 10-10 क्वेश्चन। इसकी PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आगे हम आपको बताते हैं कि हम एक महत्वपूर्ण जानकारी बताते हैं कि UP SSC PET एग्ज़ाम की ऑनलाइन क्लासेस जो है आपको हमारे चैनल स्टडी विद सभी पर कुछ दिनों में उपलब्ध करवा दी जाएगी, जो कि रेगुलर बेसिस पे होगी, जो PET एग्ज़ाम पर ही आधारित होगी। तो आप वहां से ऑनलाइन क्लासेस ज़रूर करिएगा। आशा है आपको UP SSC PET एग्ज़ाम सिलेबस 2021 से संबंधित यह जानकारी मेरे द्वारा दी गई आपको अच्छी लगी होगी। आपको आयोग के द्वारा जारी की गई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ने की ज़रूरत है, आप उसको पढ़िएगा, समझिएगा कि उसमें क्या दिया हुआ है। तो गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।